मार्केट में हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में हैं, बहुत ही सस्ती अच्छी मिल रही हैं। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुदीना और धनिया को कैसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, आज इसके बारे में देखेंगे, ना कि कोई रेसिपी। ये हमने पुदीना ले लिया हुआ है एक जूड़ी, और पुदीना हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता, चटनी या पानीपुरी बनाना हो तो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लंबे समय तक किस तरह से स्टोर करते हैं देख लेते हैं। ये हम पत्तियों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और इस तरह से पत्तियों को साफ़ कर लेंगे, हरी पत्तियों को निकाल देंगे और पीली पत्तियों को निकाल देंगे, और इसके डंठल को भी हम फेंकेंगे नहीं, जो नरम है उसे हम तोड़कर रख लेंगे। इस तरह से अच्छे से नरम हिस्से को तोड़ लेंगे, ये चटनी में बनाने में काम आता है। तो इस तरह से साफ़ करके सभी पुदीने को हम रख लेंगे। पुदीना वैसे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और ये काफ़ी आयुर्वेदिक का काम करता है, दवाई का काम करता है। तो इस तरह से सभी पत्तियों को हमने तोड़कर ये देखिए रख लिया हुआ है। अब इस पत्ती को ज़्यादा समय तक अगर स्टोर करना है तो हम सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं, पर एक महीने डेढ़ महीने के लिए रखना है तो इस तरह से एक पेपर लीजिए, पेपर में इसे इस तरह से हल्के से फैला दीजिए, और इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए, इसे बहुत दबा के नहीं फोल्ड करना, नहीं तो जल्दी ये हमारी पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। और अगर आप बीच बीच में ले रहे हैं तो अगर कोई ख़राब पत्ती हो तो उसे निकाल दीजिए, जिससे कि ये लंबे समय तक इसी तरह से बना रहे, नहीं तो ख़राब पत्ती दूसरी पत्तियों को भी ख़राब कर सकती है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से, और एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे, और उसमें इस तरह से ढक्कन लगाकर अच्छे से पैक कर देंगे। हमें जब इस्तेमाल करना है तब इस्तेमाल कीजिए, ये देखिए इस तरह से। और इसके जो पहले ही मैंने बताया था आपको कि इसके डंठल को फेंकना नहीं है, इसे आप चटनी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से डंठल को फेंकेंगे नहीं, इसे का भी इस्तेमाल हम कर लेंगे। इसी तरह से धनिया को भी, एकदम फ्रेश धनिया है तो इसके जो खराब है हिस्से को निकाल देंगे, पीछे के हिस्से को हम निकाल देंगे। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो धनिया भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो थायराइड से परेशान है। तो हमने उस धनिया को साफ़ कर लिया, एयर टाइट कंटेनर में रखकर 15 दिन के लिए रखा जा सकता है, 15 से 20 दिन तक। और उसे और लंबे समय तक रखना है तो पेपर में इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, दोनों तरफ को अच्छे से फोल्ड करना है, इस तरह से दबाना नहीं है, बल्कि इसी तरह से फोल्ड करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये दोनों आइडियाज़ कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।